सर आपसे निवेदन है आप मेरे साथ डांस करेंगे इसमें तो और अच्छा लगेगा मुझे। तुम्हारे पर्सनल प्लेजर के लिए मैं अपना करियर क्यों खत्म करूं? करियर खत्म हो जाएगी क्या इस गटर के बादशाह की करियर अभी तक खत्म नहीं हुई, या फिर ये करियर इसकी हमारे साथ मजाक कर रही है और इसे कहने पर मजबूर कर रही है कि भाई मेरी करियर अभी खत्म होनी बाकी, या फिर हम सब ये मान लें कि करियर भी अब प्री एंडिंग, एंटी एंडिंग और सब एंडिंग जैसे स्टेजेस के बाद खत्म होती है। शादी कर ले मुझसे सवर जाएगी, एक झटके में गर्मी निकल जाएगी। देखा देखा देखा, कुछ देखा कि नहीं देखा। कुछ देर के बाद इस गटर के बादशाह को भी वाइब आने लगती है इस चीज में। जरूर से ये समझ में आ गया होगा कि कम से कम ये बंदा मुझसे बेहतर गा और नाच तो सकता है, चलो कुछ नहीं तो मुझसे बेहतर लोगों को कॉमेडी तो कर सकता है। इंडियन आइडल जैसे सिंगिंग शो पे कॉमेडी, हर तरफ कॉमेडी ही कॉमेडी, तो एक काम क्यों नहीं करते, हर शो के नीचे कॉमेडी ही होती है, लिख क्यों नहीं देते, क्योंकि रियलिटी के नाम पे यहाँ सिर्फ कॉमेडी और रोना धोना ही होता है। गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त साहिल अक्का साहिल, और आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं, नहीं नहीं नहीं, आज मैं पर्सनली आप लोगों को बोलता हूँ कि आज के स्टूडियो में हम धज्जियाँ उड़ाने वाले हैं, यानी कि रोस्ट करने वाले हैं अपने क्रिंज आइडल शो को। अरे भाई जिसमें एक टकला बैठता है, अरे भाई जिसमें एक मोटा बैठता है, और भाई जिसमें एक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी गोट बैठती हैं। भाइयों मैं क्या बताऊँ इस शो के बारे में, तुम खुद ही देख लो। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी ऑडियंस और आप जो इस वीडियो पे क्लिक करके यहाँ पर आए हो वो इस सब बेहुदा चीज़ों से दूर रहते होंगे। पर वाट इफ अगर आप भी इसे देखते हो और कहीं ना कहीं आपका ये ड्रीम हो कि इस कॉमेडी वाले नहीं 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 सिंगिंग वाले नहीं नहीं रोने वाले रियलिटी शो में पार्ट भी बनो। रागिनी है तो देवेंद्र, अगर ये नहीं होती तो ये ना होता। मतलब 2003 में जब एक पैदा हुआ। अरे चचा क्या आपको ये भी नहीं पता कि किसी भी बच्चे के पैदा होने पर खुशियाँ ही खुशियाँ आती है? तो नहीं 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 मैंने फिर एक गलती कर दी यार, लिटरली बादशाह के पैदा होने पर उसके घर में गम ही गम आया होगा, ये हुई ना नहीं बात। पैदा हुआ, डॉक्टर ने बताया कि इस लड़के को एक बहुत बड़ी बीमारी है। जिस बीमारी का इलाज हम जैसे डॉक्टर्स के पास यानी कि मेडिकल साइंस के पास है ही नहीं यार, इसे आप बादशाह के पास यानी कि इंडियन आइडल में लेकर के जाओ और वहां जाकर के बस रो देना, इतना ही करते आपके बच्चे की बीमारी ठीक हो जाएगी। हड्डियों में से बोन मैरो निकाल रहे थे और ट्रांसप्लांट सक्सेस हुआ और आज मेरा बेटा आपके सामने खड़ा है, और ये पूरा श्रेय मैं मेरी बेटी को दूंगा जो मेरे घर में लक्ष्मी के रूप में आई और मेरा सारा जीवन बदल दिया। क्या लड़की है ना, अगर आशीर्वाद का कोई फेस होता है इतनी रागनी होती। सिर्फ यही कारण है कि मैं जब भी इस शो को देखता हूँ तो हर बार कंफ्यूज हो जाता हूँ और हर बार एक नए सोच के साथ जाता हूँ वापस कि यार ये शो है क्या, सिंगिंग रियलिटी शो, कॉमेडी शो, रोने वाला शो, या अपने दुख दर्द पीड़ा को बयान करने वाला शो। यार लिटरली आपके पर्सनल लाइफ में क्या चल रही है, मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ, यार वो बेहतर निकला वो खराब। चचा क्या आपको अपनी पर्सनल लाइफ टेलीविजन के सामने डिस्कस करने में अच्छा लगता है? आपका नाम क्या है मैम? माय नेम इज अनुशा। अनुशा इसलिए पूछ रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ है बट आई डिडंट नो व्हेदर इट्स अनुशा और अनुशा। या इट्स एक्चुअली अनुशा, जैसे हम रिक्शा बोलते हैं, शावरमा बोलते हैं, वेरी बंगाली, बट आई एम नॉट बंगाली, आई एम फ्रॉम ईरान। यार इसका क्या मतलब कि ईरान से है? नहीं नहीं वो तो शायद पाकिस्तान में होता है। तो आप फारसी बोलती हैं? जी बोलती हूँ। नहीं बस पूछ रहा था। फारसी में मुझे एग्जैक्टली एक फ्रेज आता है, वन अकलो होश नमीदानम। मुझे पूरा एक गाना आता। अच्छा फारसी? फारसी मुझे गाना नहीं आता प्रॉब्लम। बादशाह भाई देखो देखो पलट मत जाना, सच जो है ना वो आखिरकार मुंह से निकल ही जाता है, बस बस मेहरबानी करके और कुछ एपिसोड में ये भी निकाल देना कि ब्राउन रंग भी आपने नहीं लिखा अपने यो यो पाजी ने लिखा है। यार ये तो सच है ना, तो किसी एपिसोड में इसे तो अपने मुंह से खोल दो। As a famous person said to you once, तो रैप करके सुना दो। What it means के गाना नहीं आता यार, लिटरली ये एक सिंगिंग रियलिटी शो है, नहीं नहीं कॉमेडी शो है, नहीं नहीं यार यार डिस्कस्टिंग यार, मुझे समझ में नहीं आता ये क्रिंज शो बनता क्यों है। ఎన్ని మిలి అందం ఎన్ని మిలి ఏంటి మిచ్ బట్ చిరునవ్వు నుగను బట్టు నడక యార్ లిటరల్లీ యే షో రియాలిటీ షో కే నామ్ పే బహుత్ జ్యాదా పాపులర్ హై। पॉपुलर क्या है, ये शो के मेकर्स का भी ये कहना है कि ये शो एक रियलिटी शो है, और इस शो को देखने वाले कुछ वाहियात ऑडियंस का भी ये कहना है कि ये शो एक रियलिटी सिंगिंग शो है।
तो आइए देख लेते हैं ये कितना रियलिटी सिंगिंग शो है। चलो भैया बीन अ लॉन्ग डे, लेट्स गो। निकले सर प्लीज। सर क्या हो गया? हा? अरे अभी खत्म हो गया, अभी हमारा तो ऑडिशन। ये वो सिंगर जो हमारे ऑडिशन कर जो कर चुके हैं इसका कहाँ से आ रहे हो तुम? सर मैं एमपी में जबलपुर के पास जिला बालाघाट है वहाँ से आया हूँ। पर अभी तो सब चले गए, सबका तो हो गया ऑडिशन। गा पाओगे? तैयार हो अभी गाने के लिए? तैयार हो? वहाँ ऊपर खड़े हो जाओ। मैं खड़े हो जाओ, तुम गाना सुनाओगे? गला ठीक है? लिटरली एट द लास्ट मेरे पास कुछ ऐसे ऑल्टरनेट्स हैं जिसे अपने शो पर बुलाओ, कम से कम तुम्हारे ये स्क्रिप्टिंग वाले शो को कम से कम चार चांद लगा देंगे अपने स्क्रिप्ट्स के साथ। नहीं तुम कहां बाहर जाने वाले हो, तुम इन जैसे महान कलाकारों को कहां बुलाओगे जो आजकल इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रहे हैं? तुम्हें तो बस वो चार पांच लफंगे, क्या नाम है उसका, हादसा, वो क्या नाम है उसका, रिक्शा नहीं अनुशा, वो जैसे कंटेस्टेंट ही चाहिए। फिर भले तुम्हें उसे चुनना ना हो पर बकवास करने के लिए वो तुम्हें बेहतर लगते हैं, तुम्हें कंटेंट देते हैं ना वो। बस इसी वजह से आज हमारा इंडिया इतना पीछे है। मैं बोल रहा हूँ पुणित सुपरस्टार को, पर यार पुणित सुपरस्टार तो सही में स्टार है। स्टार बनाने वाले शो जब स्टार नहीं बना पा रहे तो पुणित सुपरस्टार जैसे स्टार बनने लगेंगे ना इंडिया में। सो हाँ गाइस दैट्स फॉर टुडे, आज के स्टूडियो में बस इतना ही। मेरा गला खराब है पर फिर भी मैं आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर के आता रहता हूँ। और आपने मेरी वीडियो अगर फुल वॉच किया है तो ये लोग मेरा एक सैल्यूट। इस वीडियो को फिर से रिवॉच करो और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो इस वाहियात शो का पार्ट बनना चाहता है या फिर इस वाहियात शो को देखता है यार। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो कमेंट करना फॉर पार्ट टू। बाय।